हेलो एवरीवन वेलकम टू समता एजुकेशन ट्रस्ट दिस इज नीलम सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कैबलरी की लास्ट सेशन में भी हमने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे वोकेब्लरी बेस्ड जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं सो गाइज लास्ट सेशन को ही यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे सो लेट्स तो यहाँ पर देख रहे हो एज पर द डिरेक्शन ये जो दिया हुआ वर्ड है इस वर्ड का आपको अपोजिट वर्ड फाइंड करना है आपके पास ये फोर ऑप्शन है इन फोर ऑप्शन में से आपको बताना है कि इस वर्ड का अपोजिट क्या होगा सो लेट्स चेक गाइस यहां पर ये यह जो िन वर्ड है इस वर्ड का मीनिंग होता है ग्लूमी इसे हम कह सकते हैं सैड या डिप्रेस्ड ओके okay, ऐसा पर्सन जो सैड हो डिप्रेस्ड हो ग्लूमी हो निराश हताश इस तरीके का इसे हम कहते हैं सैटर्न देन नेक्स्ट वर्ड है फ्लेग्मेटिक फ्लेग्मेटिक मतलब होता है बहुत ही ज्यादा काम कूल cool, या कंपोज्ड जो इंसान होता है बहुत शांत होता है उसे हम कहते हैं फ्लैगमेटिक देन नेक्स्ट इज मेलैंकोलिक मेलैंकोलिक अगेन सिनोनिम ऑफ सैटन जिसका मतलब ही भी होता है सैट या डिप्रेस्ड देन नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूमी ग्लूमी मतलब अगेन मैंने कहा सैड जो होता है डिप्रेस होता है उसे हम ग्लूमी कहते हैं एंड नेक्स्ट वर्ड इज जॉयस यहां पर जॉय आ गया तो जॉयस मतलब क्या होगा जॉयफुल uh, एंजॉय करने वाला जॉय करने वाला हैप्पी चीयरफुल पर्सन तो यहां हमने देखा कि फ्लैगमेटिक मतलब काम कूल कंपोज तो सैटरडिन का हमें अपोजिट चाहिए और सैटरडिन मतलब कि जो बहुत सैड डिप्रेस रहता हो तो ये तो नहीं होगा मेलैंकोलिक अगेन इज द दिंदम ऑफ सैटरडिन क्योंकि अः uh, इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है सैटरडिन जैसा ही सैड एंड डिप्रेस अगेन ग्लूमी मतलब भी सैड होता है तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं तो यहां पर जो सिनोनिम सॉरी एंटोनिम मतलब कि अपोजिट पूछा हुआ है तो सैटर का अपोजिट यहां पर क्या हो जाएगा जॉयस आई होप क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रोकलियो एंड आपको इस वर्ड का अगेन क्या बताना है अपोजिट वर्ड बताना है इन फोर गिवन ऑप्शंस में से सो so देखिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर Thank you. सो गाइज यहां पर अगर बात करें एम्ब्रोग्लियो सो एम्ब्रोग्लियो का जो मीनिंग होता है ये होता है एक्सट्रीमली कंफ्यूज कॉम्प्लिकेटेड और एम्ब्रसिंग कोई चीज जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड होती है उसे हम कहते हैं एम्ब्रोग्लियो तो यहां पर इसका अपोजिट बताना है यहां पर फर्स्ट एड ट्रूज एंड ट्रूस का जो मीनिंग होता है ये होता है एक तरीके का एग्रीमेंट ट्रूज मतलब ही एग्रीमेंट होता है और ये जो एग्रीमेंट होता है ना ये एग्रीमेंट जनरली एनिमीज जो दो दुश्मन होते हैं दो दो जो दुश्मन वाली जो दो पार्टीज होती है उनके बीच किया जाता है किस लिए टू स्टॉप फाइटिंग कि जो भी उनके बीच में फाइटिंग चल रही है लड़ाई चल रही है उसे रोकने के लिए जो दो एनिमीज के बीच में जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे हम कहते हैं ट्रूस Then next इज accord एंड accord मतलब भी होता है एग्रीमेंट या फिर किसी एक चीज पर अगर दो लोग या दो पार्टी एग्री करती है उसे भी हम कहते हैं accord देन नेक्स्ट इज एडमेंट एडमेंट जो वर्ड है हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था जिसका मतलब होता है फर्म जिसका मतलब होता है डिटरमाइंड या अगर हिंदी में कहे तो हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा कठोर या हम इसे कह सकते हैं जिद्दी जो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं बहुत ज्यादा सख्त हम कह सकते हैं एडमेंट को देन नेक्स्ट इस वर्ड इज ब्रॉल ब्रॉल मतलब होता है नॉइजी फाइट ओके okay, नॉइजी फाइट मतलब जोर जोर से लड़ाई करना या झगड़ा करना क्वा भी कह सकते हैं हम इसे ये होता है ब्रॉल तो हमें इस वर्ड का अपोजिट बताना है तो so, इस वर्ड का अपोजिट यहां पर क्या हो जाएगा एक्सट्रीमली कंफ्यूज कॉम्प्लिकेटेड और एम्बरे जो सिचुएशन होती है वो होता है एम्ब्रोगलियो ट्रूज मतलब एक एग्रीमेंट मान जाना टू स्टॉप फाइटिंग मतलब adamant मतलब एग्रीमेंट एडमेंट फर्म या डिटरमाइंड नॉइजी फाइट या क्वेरल तो यहां पर इसका जो अपोजिट हो जाएगा ये ट्र्यूज हो जाएगा क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कोई एम्बेसिंग सिचुएशन कंफ्यूज कॉम्प्लिकेटेड या एम्बेसिंग सिचुएशन आ गई है दो पार्टीज के बीच में दो एनिमीज के बीच में तो उसे हम एम्ब्रोगलियो कहते हैं so, सो इसका अपोजिट यहां पर ट्रूज हो जाएगा कि दोनों पार्टीज मान गई है कि ठीक है हम ये ये चीज कर लेते हैं so, तो यहां पर इसका अपोजिट हो जाएगा अट्रूस नेक्स्ट देखते हैं कॉमेपेंस तो so, देखिए कॉमापेंस का अपोजिट अगेन आपको यहां पर बताना है Thank <laughs> तो गाइज लेट्स चेक यहां पर ये यह जो कॉमपन्स होता है इसका मतलब होता है पनिशमेंट ओके okay, कोई क्राइम किया है उस क्राइम के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है उसे हम कहते हैं कॉमन देन यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है यह डिनाउंसमेंट डिनाउंसमेंट मतलब डिनाउंस करना डिनाउंस मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना किसी को कंडेम करना किसी की बुराई करना किसी को भला बुरा कहना ये होता है डिनाउंसमेंट ये किसी को डिफेम करना भी होता है डेनाउंसमेंट मतलब उसके बारे में गलत चीजें फैलाना बदनाम करना देन नेक्स्ट वर्ड इज विंडिकेशन और विंडिकेशन मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम एलिगेशन एलिगेशन मतलब क्या होता है एलिगेशन कहते हैं ना मतलब इल्जाम या जो भी हमने आरोप या इल्जाम लगाए हैं किसी के ऊपर उससे उन्हें फ्री कर देना या किसी ब्लेम कोई ब्लेम हमने उसके ऊपर कोई ब्लेम लगाया है उस ब्लेम से उस एलिगेशन से उस इल्जाम से फ्री कर देना ये होता है विंडिकेशन नेक्स्ट वर्ड इज कैस्टिगेशन कैस्टिगेशन का मतलब होता है रिब्यूक और रिब्यूक मतलब होता है स्कोल्ड डांट फटकार लगाना किसी को डांटना इसे हम कहते हैं कैस्टिगेट करना स्कोल्ड करना जैसे हमें टीचर होती थी ना स्कूल में स्कोल्ड करती थी डांटती थी उसे हम कहते हैं कैस्टिगेट या कैस्टिगेशन अगेन रिब्यूक मतलब क्या होता है स्कोल्ड होता है तो यहाँ पर कॉम्स मतलब पनिशमेंट होता है एंड इसका अपोजिट बताएंगे तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा विंडिकेशन मतलब की किसी एलिगेशन कोई चार्ज क्योंकि पनिशमेंट कब मिलता है पनिशमेंट किसी चीज के लिए अगर आपने कोई क्राइम किया है तो इस क्राइम के लिए जो पनिशमेंट मिल रही है उसे हम कॉमोपन्स कर रहे हैं लेकिन वही क्राइम अगर आपके ऊपर लगाया और उस क्राइम से आपको मुक्त कर दे रहे हैं फ्री कर दे रहे हैं तो वो होता है विंडिकेशन तो यहां पर कॉमपन्स का अपोजिट हो जाएगा विंडिकेशन मतलब टू फ्री फ्रॉम एलिगेशन और ब्लेम और चार्ज ऑफ समथिंग नेक्स्ट देखते हैं punitive तो देखिए punitive का मीनिंग यहाँ पर अगेन अपोजिट मीनिंग पूछा है तो देखिए अपोजिट क्या हो सकता है और ये जितने भी वर्ड्स हम यहाँ पर कर रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम में आ चुके हैं ये सारे न्यूज़पेपर से लिए गए हुए वर्ड्स है Thank you. Thank you. सो लेट्स डिस्कस गाइस यहां पर प्युनेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है पनिशेबल कि जिसके लिए पनिशमेंट मिली जाए या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा हार्श या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या बहुत ज्यादा सीवियर उसे हम कहते हैं प्युनेटिव देन फर्स्ट वर्ड है स्ट्रिंजेंट तो स्ट्रिंजेंट मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट या बहुत ही ज्यादा फॉर्म देन नेक्स्ट है हार्श हार्श मतलब भी सभी को पता है स्ट्रिक्ट होना या फर्म होना ही होता है देन कंडोनिंग मतलब क्या होता है For, forgive कर देना माफ कर देना या पार्डन कर देना माफी दे देना एंड ड्रैकोनियन अगेन मतलब होता है हार्श या सीवियर या बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट तो यहां पर देखेंगे पुनिटिव मतलब भी हार्श सीवियर तो ये तो नहीं होगा इसका भी मतलब यही होगा स्ट्रिक्ट फॉर्म या हार्श सेम एज प्यूनिटिव ये तो सिनोनिम हो गया हार्श अगेन ये भी सिनोनिम हो गया कंजोनिंग ये बिल्कुल अपोजिट है तो सही आंसर कंजोनिंग होगा क्योंकि पनिटिव मतलब पनिशेबल या हार्श या बहुत ज़्यादा सीवियर एंड कंजोनिंग मतलब क्या होता है फर्गिव कर देना पार्डन कर देना कोई गलती क्रा, कोई क्राइम हो जाता है उसे इग्नोर कर देना तो ये हो जाएगा कंजोनिंग एंड पोनेटिव मतलब तो जिसके लिए पनिशमेंट मिल जाए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इस तरीके से ड्रैकोनियन मतलब भी अगेन हार्श सीवियर और स्ट्रिक्ट होता है सुना होगा ना ड्रैकोनियन लॉ मतलब कि बहुत ज्यादा सीवियर स्ट्रिक्ट लॉ तो so यहां पर देखेंगे कि कंजोनिंग जो होगा ये बिल्कुल पोनेटिव का अपोजिट हो जाएगा तो सही ऑप्शन ऑप्शन जो होगा हमारा होगा कंजोनिंग नेक्स्ट देखते हैं लेकोनिक तो so, देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर तो यहां पर जो हमें पूछा है विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग मतलब हमें इसका क्या बताना है हमें इसका सिनोनिम बताना है ओके okay? या हमें इसका क्या बताना है यहां पर मीनिंग बताना है इस वर्ड का लेकोनिक सो देखिए यहां पर क्या हो सकता है लेकोनिक So, बात करें इस वर्ड की लेकॉनिक तो लेकोनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग ऐसे आप कहा जाता है इसका मतलब बहुत ही शॉर्ट में या जिसे हम कहते हैं ब्रीफ ओके okay, ये जिसे हम कहते हैं कंसाइस मतलब ही बहुत शॉर्ट में बहुत कम वर्ड्स में देन वेग वेग का मतलब होता है अनक्लियर ओके okay. देन टर्स टेस्ट मतलब होता है अगेन सिनोनिम ही है लेकोनिक का जिसका मतलब होता है शॉर्ट और ब्रीफ देन वर्बोज वर्बोज मतलब बहुत ज्यादा वर्ड्स में इसे हम कह सकते हैं एक्सप्रेस्ड इन मोर वर्ड्स देन आर Needed. मतलब कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है जो कोई चीज अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं वर्ड्स की जरूरत भी नहीं है उसे हम कहते हैं वर्बोज या इसके और सिनानिम क्या हो सकते हैं इसके और सिनानिम हो सकते हैं टॉकेटिव या हो सकता है वर्डी बहुत ज्यादा वर्ड्स में यही से हम कह सकते हैं वॉल्यूबल यही से हम कह सकते हैं लोकेशियस क्योंकि मैंने आपको बताया है एलोक्यू एंड एलोक्यू मतलब होता है टॉक एंड लोकेशियस मतलब जो बहुत ज्यादा बात करते हैं ओके बहुत ज्यादा बात करना उसे हम कहते हैं लोकेशियस तो यहाँ पर देखेंगे वर्बोज मतलब बहुत ज्यादा वर्ड्स में देन एलोक्वेंट अभी मैंने बताया क्यू जहां पर आ जाए वो रिलेटेड टू टॉकिंग होता है तो यहाँ पर ये टॉक से रिलेटेड होता है तो ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा कैसी बात करता हो फ्लुएंटली फ्लुएंटली जो बहुत ज्यादा बोल पाता हो जो बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो उसे हम कहते हैं एलोक्वेंट तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा लेकोनिक मतलब शॉर्ट में ओके okay. एंड हमें चाहिए कि शॉर्ट में नहीं ज्यादा वर्ड्स में मतलब कि इसका जो आंसर हो जाएगा सही सॉरी अपोजिट पूछा है नॉट सॉरी सिनोनिम पूछा हुआ है तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर टेस्ट क्योंकि टेस्ट मतलब भी होता है शॉर्ट या ब्रीफ ओके इसके पहले सारे अपोजिट्स थे इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहां पर तो मीनिंग बताना है हमें तो लैकोनिक मतलब ही होता है टेस्ट ओके नेक्स्ट देखते हैं लोकेशियस अभी हमने ये वर्ड डिस्कस किया है लोकेशियस और यहां पर भी हमें इसका मीनिंग बताना है सो विकैरियस अगेन या लोकेशियस एलोक्यू आ गया इट इज टॉकिंग टू रिलेटेड तो लोकेशियस मतलब क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा टॉकेटिविकस विकैरियस मतलब होता है अः सेकेंड हैंड कह सकते हैं या हमने कहीं से उसे डिराइव किया है किसी होती है ना डेरिवेटिव मेथड मतलब कहीं से हम किसी चीज को डिराइव करते हैं किसी और की मेथड से या किसी और से लिया हुआ कोई चीज होती है उसे हम कहते हैं विकैरियस देन टॉकेटिव अगेन टॉक इट इज टॉक टू रिलेटेड सो ऑब्वियसली आंसर ये ही हो जाएगा एंड स्टर्न मतलब होता है स्टर्न मतलब होता है बहुत ज्यादा एंड विंडिकेटिव ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका मतलब होता है रिवेंजफुल किसी भी चीज का बदला लेने की जो इच्छा होती है उसे हम कहते हैं विंडिकेटिव मतलब किसी भी चीज का बदला लेना तो so, यहां पर जो आंसर हो जाएगा सिमिलर इन वर्ड ये हो जाएगा टॉकेटिव नेक्स्ट है लुगुब्रियस तो लुगुब्रियस का देख लो क्या हो सकता है सो लेट्स चेक गाइस लुग्युब्रियस एंड इसकी अगर बात करें तो इसका मतलब होता है अगेन ग्लूमी एंड सैड ओके तो ग्लूमी और सैड वाले बहुत सारे वर्ड्स हम देख रहे हैं आज तो लुग्युब्रियस मतलब होता है ग्लूमी या सैड और हमें बताना क्या है इसका मीनिंग बताना है ओके okay? तो सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड हमें बताना है देन पंक्चुएटिंग पंक्चुएटिंग या पंक्चुएशन मार्क आपको पता ही होगा मतलब क्या होता है टू मार्क मार्क करना या डिवाइड करना ये होता है पंक्चुएट या पंक्चुएटिंग देन नेक्स्ट इज गेटी ओके ये जी ए आई टी वाई जी ओके एंड जी ए आई टीवाई भी एक गेटी होता है जिसका मतलब होता है चेयरफुल ओके चेयरफुल या जॉयस या हैप्पी इसे हम कहते हैं लाइट हार्टेड ये होता है गेटी नेक्स्ट वर्ड इज मोरोज और मोरोज मतलब होता है सैड ओके okay? इसका मतलब होता है ग्लूमी इसका मतलब होता है इल इनटेम्पर्ड जिसका टेम्पर दिमाग खराब होता है इस तरीके का जो इंसान होता है जो सैड ग्लूमी हमेशा विदाउट रीजन के तो हम कहते हैं मोरोज एंड नेक्स्ट इज ग्लीफुल यहाँ जब जब भी ये जी डबल इ ग्ली आ जाए समझ लेना इट इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस तो हैप्पी एंड एक्साइटेड जो पर्सन होता है उसे हम कहते हैं ग्लीफुल तो यहाँ पर लुगूब्रियस का हमें क्या बताना है सिनोनिम बताना है सो so, इसका सिनोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑबवियसली मोरोस जिसका मतलब होता है सैड ग्लूमी एंड एल टेंपर्ड क्योंकि लुगूब्रियस भी मतलब होता है सैड एंड ग्लूमी नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है एबोरेंट तो देखिए क्या हो सकता है इसका मीनिंग इस क्वेश्चन में भी हमें सिनोनिम ही बताना है यहां पर एबोरेंट का सो लेट्स डिस्कस गाइस सो यहां पर जो वर्ड है एबोरेंट एन एबोरेंट का मतलब होता है हेटफुल जिससे नफरत की जा सके या बहुत ही ज्यादा डिस्टिंग होता है बहुत ही ज्यादा लोथसम होता है मतलब यही होता है लोथसम मतलब भी कि जिसकी जिसे हम हेट करें बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो देन एबोमिनेबल एबोमिनेबल मतलब ही एबोरेंट होता है ये सेम सिम है इस वर्ड का एबोरेंट का एबोमिनेबल लवेबल मतलब पता ही होगा आपको एडमायरेबल मतलब क्या होता है एडमायरेबल मतलब रेस्पेक्टफुल जिसे हम रेस्पेक्ट दे सकते हैं जिसे हम एडमायर करते हैं जो हमारे लिए एग्जाम्पलरी एग्जाम्पलरी होता है या जो हमारे लिए ऑनर honor, ऑनरेबल होता है उसे हम क्या कहते हैं एडमायरेबल देन नेक्स्ट इज एनवीएबल एनवीएबल का मीनिंग होता है अगेन अट्रैक्टिव और डिजायरेबल Attractive and desirable को हम कहते तो so, यहाँ पर हमें सिनोनिम बताना था तो synonym, hateful, disgusting का abominable अभी मैंने कहा क्योंकि abomin abominable मतलब भी हेडफुल एंड डिस्गस्टिंग ही होता है सो so, यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा एबोमिनेबल नेक्स्ट देखिए अब डायरेक्शन चेंज है ओके इन फॉलोइंग क्वेश्चन फोर वर्ड्स आर गिवन

पेयर्स ऐसी है वन के साथ फोर देन वन के साथ थ्री टू के साथ थ्री तो आपको ये ऐसी पेयर बतानी है वर्ड्स की आइदर वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो या वो एक दूसरे के एंटोनिम्स एंटनिम्स होके या तो वो सिनोनिम्स हो एक दूसरे के या तो एंटोनिम्स हो ओके okay, दोनों में से कुछ भी हो सकती है लेकिन वो पेयर सही होनी चाहिए सपोज अगर आप सिलेक्ट करते हो ऑप्शन नंबर ए तो इसका मतलब है कि ये कंक्लूजन और ये प्रैग्मेटिक दोनों का मीनिंग या तो सेम हो या तो दोनों का मीनिंग अपोजिट है इस तरीके से so, देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है आंसर सो लेट्स चेक गाइस यहां पर अगर देखेंगे कंक्लूजन तो सभी को पता है किसी चीज का रिजल्ट या एंड देन पैराडॉक्स तो पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट या तो हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट अब कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब क्या होता है Contradict मतलब कह सकते हैं कोई अपोजिट स्टेटमेंट है ना कि कोई कुछ बोल रहा है और उसको हमने कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उसके कोई अपोजिट स्टेटमेंट दे दिया मतलब जो वो जो बात बोल रहा है उसके कुछ उल्टा हमने बोल दिया उसे हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अपोजिशन एंड डिस्क्रिपेंसी मतलब भी यही होता है अपोजिशन या कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब अगेन दो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मतलब किसी चीज को लेके कि दोनों जो पार्टीज है दोनों पार्टीज के ओपिनियन अलग अलग है कॉन्ट्राडिक्टरी है अपोजिट है या हम कह सकते हैं डिफरेंस कि दोनों पार्टीज के ओपिनियन में क्या है डिफरेंस है तो ये जो दोनों वर्ड्स है ये सेम ऑलमोस्ट सिलनी में एक दूसरे के एंड नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक तो अगर बात करें इस प्रैग्मेटिक की तो जैसे हम कहते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच तो प्रैग्मेटिक अप्रोच मतलब कोई भी चीज को प्रैक्टिकली करना ओके okay? प्रैक्टिकल एंड नॉट थियोरिटिकली मतलब थियोरी बेस्ड नहीं प्रैक्टिकली अगर हम कुछ करते हैं प्रैग्मेटिक पर्सन या प्रैग्मेटिक अप्रोच मतलब सेंसीबल भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं इसे रियलिस्टिक कि रियल जो चीज है उस पर बेस्ड अगर हम कोई चीज कर रहे हैं उसे हम कह देंगे प्रेग्मेटिक ओके okay, जो सेंसिबल हो जिसमें सेंस हो जो रियल हो जो प्रैक्टिकल हो ना कि थियोरी बेस्ड हो तो उसे हम कहते हैं प्रैगमेटिक तो हमने देखा कि यहाँ पर ये पैराडॉक्स एंड डिस्क्रिपेंसी ये दोनों वर्ड ऑलमोस्ट सिननीम है एक दूसरे के मतलब कि ये पेयर एक दूसरे की सिनोनिम है तो हम देख सकते हैं टू एंड थ्री अगर जहां टू एंड थ्री है तो यहां देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में टू एंड थ्री है मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी मतलब कि इन चार ऑप्शंस में से या तो वो दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम होंगे या एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो भी हम उसे आंसर में मार्क करेंगे तो हमने देखा दोनों वर्ड सिनोनिम्स है एक दूसरे के सिन... सिमिलर मीनिंग्स है इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शन so तो ये सभी को पता होगा मॉडिकम मॉडिकम मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी में स्मॉल क्वांटिटी में कोई चीज होती है उसे हम कहते हैं मॉडिकम एंड स्पेशली कोई डिजायरेबल चीज ये ऐसी चीज जो वैल्यूएबल है जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है या हम डिजायर कर रहे हैं हमें चाहिए होती है एंड वो चीज बहुत कम क्वांटिटी में होती है तब उसे हम कहते हैं मॉडिकम देन लेक्सिटी लैक्सिटी मतलब क्या होता है uh, बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस ना होना मतलब कि हम कह सकते हैं लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस या इसे हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टनेस या केयर मतलब किसी चीज को हम स्ट्रिकली या केयरफुली नहीं कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ढीले ढाले तरीके से उसे हम कहते हैं लैक्सिटी एंड सर्विलेंस सर्विलेंस को तो आपको पता ही होगा किसी को वॉच करना या किसी का क्लोज ऑब्जर्वेशन करते हैं जब हम किसी पर्सन का या किसी चीज का उसे हम कहते हैं सर्विलेंस स्पेशली किसी क्रिमिनल के लिए या किसी कोई स्पाई होता है स्पाई मतलब सभी को पता होगा गुप्तचर ओके आई थिंक आई एम राइट हिंदी में गुप्तचर कहेंगे स्पाई को सो so, यहाँ पर क्लोज ऑब्जर्वेशन करना किसी क्रिमिनल या स्पाई का इसे हम कहते हैं सर्वेलेंस सो क्लोज ऑब्जर्वेशन मतलब स्ट्रिक्टली हम किसी चीज को फॉलो करेंगे केयरफुली तो वो हो जाएगा सर्विलेंस एंड लैक्सिटी मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है बिल्कुल केयरफुली कुछ नहीं किया जा रहा है तो वो लैगिटी है मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों वर्ड्स है ये दोनों एक दूसरे के क्या है यहाँ पर अपोजिट है तो हमें ऐसी पेयर फाइंड करनी है या तो सिमिलर वर्ड हो दोनों या तो दोनों अपोजिट हो तो ये एक दूसरे के अपोजिट है तो ये हमारा बिल्कुल आंसर हो सकता है तो हम देंगे ऑप्शन नंबर थ्री एंड फोर ए में है मतलब हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेट्स डिस्कस गाइस तो यहां पर देखते हैं हिस्टोरिकल तो हिस्टोरिकल मतलब क्या हो जाएगा ये रिलेटेड टू हिस्ट्री या रिलेटेड टू पास्ट या रिलेटेड टू हिस्टोरिकल मोमेंट्स या हिस्ट्री से रिलेटेड देन टसिल टसिल का मतलब होता है फाइट ओके okay? या स्ट्रगल फाइट करना स्ट्रगल करना ये होता है टसल देन नेक्स्ट वर्ड इज कमरस So, next word is cumbers. And cumbers का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोई चीज हेवी होती है या बहुत ज्यादा कोई चीज वेटी होती है मतलब जिसका बहुत ज्यादा वेट होता है उसे हम कहते हैं कम्बरस एंड कॉम्बैट मतलब अगेन होता है फाइट करना या स्ट्रगल करना या फाइट बिटवीन टू एनिमीज के बीच में जो फाइट होता है उसे हम कहते हैं कॉम्बैट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर असल भी फाइट होता है कॉम्बैट भी फाइट मतलब ये एक दूसरे के दोनों जो वर्ड है ये सिनोनिमी में एक दूसरे के सो so ये आंसर बिल्कुल हो सकता है 2 एंड 4 सो 2 एंड 4 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर आई होप इट इज क्लियर गाइस सो थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और वोकैबुलरी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं सो थैंक यू वेरी मच